हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द माइटी गन में स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं कि नवजात शिशु के होठों का रंग काला क्यों हो जाता है और उसे हम किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि नवजात शिशु के जो होठ हैं वो काले क्यों हो जाते हैं, या थोड़े टाइम बाद जब बच्चा 5-6 महीने का हो जाता है तो होठों का रंग डार्क क्यों होने लग जाता है, गहरा क्यों होने लग जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के जो शरीर में हैं काफ़ी चेंजेस आते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी में जो मेलानिन की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होने लग जाती है। जैसे जैसे शरीर में जो मेलानिन है वो बढ़ने लग जाता है, उसी तरीके से बॉडी का जो रंग है वो डार्क होने लग जाता है। और जो ये ब्रेस्ट का आगे का जो निप्पल होता है वहाँ पर जो मेलानिन की मात्रा है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो ब्रेस्ट के जो महिला के जो ब्रेस्ट के निप्पल्स होते हैं बिल्कुल डार्क हो जाते हैं। होता ही है, जब बच्चा जन्म ले लेता है और जन्म के बाद जब वो दूध पीना शुरू करता है तो वो जो कालापन होता है माँ के होठों का, सॉरी माँ के होठों का नहीं, माँ के निप्पल्स का, तो वो जो बेबी के जब वो फीड करता है बेबी के होठों पर आने लगता है। तो ऐसे में आपने करना ये है, क्योंकि निप्पल तो डार्क हो चुके हैं, वो सभी के हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे जैसे आपका बेबी फीड करता है तो जो हर फीड के बाद आपको अपने बेबी के जो लिप्स हैं वो या तो रोज़ वाटर से बिल्कुल साफ़ सुथरा रोज़ वाटर लें, या फिर आप घर का सादा पानी गुनगुना करके ले सकती हैं हल्का सा, उसमें आप हल्की सी साफ़ सुथरे कॉटन के कपड़े से अपने बच्चे को हर फीड के बाद अपने बच्चे के लिप्स हैं बिल्कुल साफ़ करें। या आप गुनगुना दूध ले सकती हैं, घर का दूध, गाय का, भैंस का, कोई भी, वो गुनगुने दूध से आप अपने बच्चे के होठों को अपनी हर फीड के बाद साफ़ करते रहें। इससे जो वो ब्लैकनेस आपके ब्रेस्ट के निप्पल्स की हैं वो आपके बेबी के होठों तक नहीं आएगी, और आपके बच्चे के होठ हैं बिल्कुल नरम और गुलाबी बने रहेंगे। दूसरा है, आप थोड़ा सा चुकंदर का रस निकाल कर आप दिन में 2 से 3 बार अपने बच्चे के होठों पर हल्का हल्का लगाइए। इससे आपके जो हैं बच्चों के होठों का रंग नेचुरल पिंक हो जाएगा। तीसरा है, गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको आप हाथों से मल के बिल्कुल आपके उंगलियों पर रेडनेस आ जाएगी, और उस पे आप हल्का सा मलाई ले लीजिए हल्की हल्की सी, या फिर अपने ही ब्रेस्ट दूध को निकाल के हल्का सा अपनी उंगली में ही मसल कर गुलाब की पत्ती को अपने बेबी के जो है होठों पर फेर दें। ये 2 से 3 बार आप कर सकती हैं, या फिर चुकंदर वाला, या ये फिर उसका ये वाला, कोई भी एक ट्राई करें आपके। इससे बच्चे के जो होठों का रंग है बिल्कुल गुलाबी हो जाएगा। और जो मेन काम है, अपने हर फीड के बाद आप अपने बेबी के होठों को साफ करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये करेंगी तो आपके बच्चे के होठों जो हैं बिल्कुल गुलाबी और पिंक रहेंगे, उन पे ब्लैकनेस नहीं आएगी। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।